यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में किसी तरह का संक्रमण हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है मोस्टली ये, और लगभग देखा जाता है कि महिलाओं में होता है, लेकिन काफ़ी बार पुरुषों में भी यूटीआई हो सकता है। पुरुषों में बहुत कम कॉमन होता है ये। पुरुषों में ये यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। तो अगर हम बात करें कि पुरुषों में यूटीआई किस वजह से होता है, वीडियो में आगे हम इसी बारे में बात करेंगे कि पुरुषों में यूटीआई किस वजह से होता है, यूटीआई के लक्षण क्या होते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि यूटीआई हुआ है, इसके लिए कौन से टेस्ट करवाने हैं, और वीडियो के लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि पुरुषों में यूटीआई की समस्या को बिल्कुल से ख़त्म कर देंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर रौनक, होम्योपैथिक फिजिशियन एट मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक सीकर। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग बात करते हैं बीमारियाँ और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। अगर हम बात करें कि पुरुषों में यूटीआई क्यों होता है, वैसे तो पुरुषों में यूटीआई बहुत कम कॉमन होता है, लेकिन छोटे बच्चों में यूटीआई हो सकता है। हो सकता है कि उनमें हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा गया हो, इसकी वजह से उन्हें यूटीआई हुआ हो। अगर हम प्रॉपर मेल्स की बात करें कि मेल्स में यूटीआई क्यों होता है, तो इसका एक कारण तो प्रोस्टेट हो सकता है। बढ़ा हुआ प्रोस्टेट है, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूटीआई हो सकता है। हो सकता है कि किसी तरह का किडनी में कोई स्टोन हो, रीनल स्टोन है, ये भी यूटीआई का पुरुषों में बहुत मुख्य कारण है। या फिर हो सकता है कि उनके यूरिथ्रा में किसी तरह का कोई स्ट्रिक्चर आ गया हो, यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर भी यूटीआई का बहुत मुख्य कारण है। वे पुरुष जो कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स रखते हैं, उनमें एसटीडी के कारण भी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज के कारण भी यूटीआई हो सकता है। ये यूटीआई के पुरुषों में यूटीआई के कुछ कारण है। अगर हम पुरुषों में यूटीआई के लक्षण की बात करें, तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि बर्निंग होगी, पेशाब करते समय उनको बर्निंग होती है साथ में, और पेशाब के बाद में भी कुछ लोगों में बर्निंग हो सकती है। पेट में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, पेशाब का रंग बदल सकता है, पेशाब में किसी एक अलग तरह की स्मेल उनमें हो सकती है। अगर हम बात करें कि यूरिन के टेस्ट कौन कौन से करवाने चाहिए जिससे कि पता लग सके कि यूटीआई हुआ है कि नहीं हुआ, रूटीन में यूरिन टेस्ट करवाना है। और अगर हम कुछ एडवांस टेस्ट की बात करें, तो हम यूरिन कल्चर भी करवा सकते हैं। यूरिन टेस्ट के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि मिड स्ट्रीम यूरिन है वो टेस्ट के लिए देना होता है। जैसे ही आप यूरिन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग का थोड़ा सा यूरिन डिस्कार्ड कर देते हैं, और उसके बीच का यूरिन जो होता है वो हम लोग टेस्ट के लिए देते हैं, जिससे कि आपका टेस्ट है वो बिल्कुल से एक्यूरेट आए। कुछ केसेज में ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं। अगर प्रोस्टेट की वजह से दिक्कत हो रही है, तो हमें अल्ट्रासाउंड करवाना होता है, और अगर किडनी स्टोन की वजह से हो रहा है, तो हमें एक्सरे KUB करवाना होता है। ये जो कुछ टेस्ट है जो कि यूरिन इन्फेक्शन के टाइम पर जरूर से करवाने चाहिए। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि यूटीआई के इन्फेक्शन को बिल्कुल से ख़त्म कर सकती है। हमें बस ध्यान ये रखना है कि सिम्टम्स के बेसिस पर और इसका कारण क्या है यूटीआई का, उसके बेसिस पर मेडिसिन लेनी है। सबसे पहला अगर हम कारण बात करें, तो रीनल स्टोन्स की वजह से हो सकता है। रीनल स्टोन्स की वजह से अगर हमें यूटीआई हो रहा है, पुरुषों को यूटीआई हो रहा है, अगर लेफ्ट साइड में रीनल स्टोन है उसकी वजह से यूटीआई है, तो बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करेगा। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार पेशेंट को देनी है। इससे रीनल स्टोन भी क्लियर होगा और साथ में जो यूटीआई की प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। अगर राइट साइड में रीनल स्टोन है, राइट किडनी में रीनल स्टोन है, ऐसे में लाइकोपोडियम 30 बहुत अच्छा काम करेगा। लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करनी है। इस दवाई से भी रीनल स्टोन भी क्लियर होगा और साथ में जो यूटीआई की समस्या है वो भी बिल्कुल से ख़त्म होगी। अगर हम बात करें कि यूटीआई है वो प्रोस्टेट की वजह से हो रहा है, प्रोस्टेट की वजह से अगर यूटीआई हो रहा है, तो सेबिल सेरुलेटा मदर टिंचर है वो बहुत अच्छा काम करेगा। सेबिल सेरुलेटा मदर टिंचर की 10-10 बूंद आधा कप पानी में थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करवानी है। इससे प्रोस्टेट भी ठीक होगा और यूटीआई की समस्या है वो भी बिल्कुल से ठीक होगी।
अगर यूटीआई की वजह से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है पेशाब करते टाइम, उसके साथ में, उसके बाद में, ऐसी स्थिति में कैंथेरिस 30 बहुत अच्छा काम करेगी। कैंथेरिस 30 की दो दो बूंद सुबह दोपहर शाम आपको थोड़े टाइम के लिए कंटिन्यू करनी है। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि यूटीआई के केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं। जिन मेल्स को भी यूटीआई की प्रॉब्लम है वो ये मेडिसिन्स ले सकते हैं और अपनी यूटीआई की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हम लोगों से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, मनस्वी होम्योपैथिक क्लिनिक, पिपराली रोड, सीकर। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आप हम लोगों से कंसल्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की एक बहुत ही मिनिमल सी फीस है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की ज़रूर से कोशिश करेंगे।